हे दोस्त, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट के नियम से बहुत परेशान हो? क्या समस्या आती है आपको उन चीज में? यही कि आप बार बार उन चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं और आपको वो याद नहीं हो पा रही है। किताबों में अलग अलग नियम दिए हुए हैं और हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारे नियम एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। तो समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके साथ श्रवण आपके साथ मिलकर करने वाला हूँ हमारे नॉन फाइनेंट के कुछ नियमों को अलग अलग वीडियोस में आपके साथ शेयर, जिसे आप समझ पाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। आप सभी जानते हैं कि फाइनेंट एंड नॉन फाइनेंट जो है, यानी कि नॉन फाइनेंट जो है, उसको हमने दो भागों में बांट दिया था, जिसमें पहला भाग था फाइनेंट और दूसरा भाग था नॉन फाइनेंट। हम अब इस चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले नॉन फाइनेंट के कुछ नियम। नॉन फाइनेंट में पहला जो तरीका था, आप सभी जानते हैं कि नॉन फाइनेंट का सबसे पहला भाग जो है उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं जनाब? इन्फिनिटिव। तो बच्चों, ज़्यादा आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। पहला आपका इन्फिनिटिव का नियम कहता है कि मुझे दो भागों में बांट दीजिए। कहता है कि पहला होता है विद टू, यानी जिसकी शुरुआत किससे की जाती है? टू से। और दूसरा आता है सर आपका विदाउट टू। विदाउट टू का मतलब हो सकता है बेयर इन्फिनिटिव। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि विदाउट टू और विद टू क्या होता है। विद टू का मतलब होगा जो टू से बनता है, और विदाउट टू जो टू से नहीं बनता है। अगर अपन इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो विद टू का मतलब होता है वे सेंटेंसेस जो टू से बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा अलाउ मी टू डू दिस। सेकेंड बार मैंने कहा परमिट हिम टू गो देयर। एक और सेंटेंस लेता हूं और मैंने कहा अलाउ देम टू लीव फ्रॉम हियर। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बेटा टू, हमने किसी भी वर्ब से पहले क्या लगाया? टू। जब इस प्रकार की कोई चीज़ आती है तो आप समझ जाएं कि ये क्या होते हैं? विद टू होते हैं, यानी जो टू के साथ मिलकर लगते हैं। अब यहाँ कुछ शब्द हैं जैसे अलाउ, परमिट और वापस अलाउ। तो ऐसे शब्द जब भी हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो काम करने के लिए हमें टू शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि वो कह रहा है मुझे ये करने के लिए अलाउ कर दीजिए, फिर वो कह रहा है मुझे वहाँ जाने के लिए परमिट दे दीजिए, फिर कह रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए हमें क्या दे दीजिए। तो के लिए का जो भाव आ रहा है उससे हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ टू का प्रयोग करते हैं। अब दूसरी बात बच्चों जो आपके सामने आती है, वो आती है बेयर इन्फिनिटिव को लेकर। सर, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव होता है बेटा जिसके अंदर टू लगता नहीं है। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा लेट मी गो। देख रहे हैं आप, यहाँ पर गो से पहले टू नहीं लगा। यानी मैं अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखने की कोशिश करता लेट मी टू गो, तो आप ध्यान रखिएगा लेट के साथ कभी भी टू नहीं आता। ये नियम नंबर फर्स्ट है। अगर आपको लेट दिख गया कहीं पर तो वहां टू नहीं लगाना, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप। फिर मैं आपके सामने बोल देता हूं लेट हर स्पीक। आप समझ सकते हैं कि फिर से मैंने क्या किया, लेट लगाकर ऑब्जेक्ट लगाकर सीधी क्रिया लगा दी। फिर आता है लेट देम वर्क। तो सर, इसे इन्फिनिटिव यानी बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, जहां पर टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ेंगे। ये पहला नियम था। सेकंड नियम कहता है हमारा कि हमारे पास अगर कुछ शब्द, जैसे कि मैंने कहा आस्क, लर्न या नो, अगर ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं जिसमें आता है हिसाब से हमने आस्क, लर्न और नो, आस्क, लर्न और नो अगर आपके सेंटेंस में आता है तो आगे आपको सीधा ही क्या दिया हुआ होता है जनाब? सीधा ही आपको दिया हुआ होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब कभी भी आपका सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ हो, या फिर आगे अगर टू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह कुछ और भी दिया हुआ हो, तो आप समझिएगा कि जब आस्क, लर्न और नो दिया हुआ हो तो ऐसे सेंटेंस सीधे ही हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं जोड़ते हैं, या फिर अगर आईएनजी दिया हुआ है तो भी आईएनजी नहीं करेंगे। वहां होगा क्या,
ask, learn और know की वजह से 2 plus verb की first form लिखनी होगी, चाहे वो लिखी हुई तो अच्छी है, लेकिन नहीं लिखी हुई है तो भी आपको लिखनी है, और इन दोनों के बीच में आपको कोई WH word लगाना है। क्या लगाना है जनाब? WH word। पर कर कब करेंगे? जब ask, learn या know दिया भाव। जैसे मैं इसके कुछ example दूंगा आपको, जब आपके सामने sentences आते हैं, मैंने कहा मोहन knows to operate this machine। अब वो कह रहे हैं कि मोहन जानता है इस मशीन को ऑपरेट करना, लेकिन करने के लिए भाव नहीं आ रहा है। ये टू प्लस ऑपरेट तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास आप देख रहे हैं कि नो लिखा हुआ है। जब कभी भी नो आता है या आस्क आता है या लर्न आता है तो हमें WH लगाना है। मोहन जानता है कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाए, यानी कैसे शब्द में जोड़ना होगा। ये मैंने हाउ जोड़ दिया, यानी आप समझ रहे होंगे उम्मीद करता हूं। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा डू यू नो टू प्ले दिस गेम। अब आप जान गए हैं कि यहां पर फिर से नो दिया हुआ है, तो मुझे यहां क्या लगाना पड़ेगा? हाउ। सर हाउ की जगह और भी कुछ आ सकता है? बिल्कुल, जैसा सेंस निकलेगा, जैसा आगे वाला सेंटेंस कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें हाउ, वेयर, व्हाट कुछ भी लगाना पड़ सकता है। थर्ड सेंटेंस में आपके सामने कहूं डू यू आस्क He is to do now। अब देखिए कि आपको देख रहा होगा कि यहाँ मैंने fill in the blank छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे sentence में क्या दिया हुआ है? Ask। और ask आते ही आप सब समझते हैं कि मुझे क्या करना पड़ता है। Infinitive हो तो चलेगा, नहीं हो तो बनाना पड़ेगा क्रिया को, और यहाँ पर कुछ लगाना होगा। तो do you ask what he is to do now? क्या तुम्हें पता है कि उसे अब क्या करना है? तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप इसे समझ गए हैं कि कुछ ऐसे शब्द जिसे हम यहाँ लिखते हैं तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आगे एक और सेंटेंस देखकर मैं आपको बताता हूँ। आई एम लर्निंग टू ड्राइव अ कार। मैं क्या सीख रहा हूँ? आई एम लर्निंग टू ड्राइव अ कार। आपको पता है कि टू ड्राइव लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले लर्न लिखा हुआ, जबकि लर्न आता है। अब कार सीखनी है, तो कार सीखनी है तो कैसे सीखनी है या फिर कहाँ सीखनी है? आप बोलेंगे कैसे सीखनी है, तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा जनाब? हाउ। तो इस तरीके की बेटा ध्यान रखने वाली बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेना चाहूँगा ताकि आप इसे आराम से समझ सकें। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं थर्ड टॉपिक लेना चाहूँगा आपके सामने, तीसरा। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ कि कभी भी आपके सेंटेंस में अगर कोई एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब दे रखी हो, और इसके बाद जनाब अगर आपको इनफ शब्द दिया हुआ हो। बच्चों समझने की बात है, मैंने कहा है अगर आपके सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ हो और एडवर्ब के बाद इनफ वर्ड दिया हुआ है, क्या कौन सा वर्ड दिया हुआ हो? इनफ। तो याद रखें इसके बाद आने वाली जो क्रिया होगी वो हमेशा ही कैसी होगी? इन्फिनिटिव होगी, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इतना ध्यान रखना है। तो मैं आपके सामने एग्जांपल देकर कहता हूं, मैंने कहा नमन सेड टू देम बोल्ड इनफ डीलिंग फॉर। अब आप यहां देखेंगे कि लिखा हुआ है नमन सेड टू देम बोल्ड इनफ डीलिंग फॉर। उसने क्या किया? नमन ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बोला
डीलिंग करने के लिए। अब आप सभी जानते हैं कि डीलिंग करने के लिए जो चीज़ आई हुई है, और यहाँ पर बोल्ड शब्द का प्रयोग किया गया, और इनफ, इनफ से पहले बोल्ड है यानी एडजेक्टिव है, तो इसके बाद आने वाली क्रिया कैसी होगी? जीरंड में नहीं, इन्फिनिटिव में होगी। यानी हमारी गलती कहाँ हो रही है? यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे? टू डील फॉर। समझ में आ गया जनाब? यानी यहाँ टू डील का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेना चाहूंगा। एग्जाम्पल आता है आपके सामने, मैंने कहा ही इज वाइस इनफ टेकिंग डिसीजन। आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने सेंटर लिखा है ही इज वाइस इनफ टेकिंग डिसीजन। आप यहां देख सकते हैं कि यहां मैंने एक इनफ वर्ड का प्रयोग किया, उससे पहले वाइस लिखा, और वाइस अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव आया तो इनफ के बाद आने वाली चीज क्या होगी? टू टेक। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इन चीजों को समझ गए हैं। कुछ छोटे छोटे नियम हैं, इनको आप अच्छा से लिख सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। प्लीज दोस्तों, नियमों को आगे बढ़ाने के लिए अब हम अपने साथ चलेंगे। सीधा लिखा हुआ है आपके सामने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उस समय लगाएं जब आपके सेंटेंस में हैप्पी, नीड, डेयर, वांट, विश, ईगो, ग्लेड, इजी, डिसाइड और एग्री प्लस ट्राई, ऐसे शब्द जब आपको देखने को मिलते हैं तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से टू के साथ जोड़ने की कोशिश करें। याद रखने की बात यही है कि हमें ऐसे शब्दों को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा ही need to, sorry, he need working hard. फिर मैंने आपके सेंटेंस साथ में लिखा they are eager taking decision. फिर आपके सामने आता है We were glad to meet you. कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ ही नीड वर्किंग हार्ड। आप देख सकते हैं कि हमारे सेंटेंस में नीड शब्द का प्रयोग किया गया है, और जब कभी भी नीड का शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो हम आगे सर जीरंड नहीं लगाएंगे। यानी कि ये वर्किंग हार्ड क्या है? तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, करने ना ने नी का भाव जीरण देता है, लेकिन अभी हम यहाँ जीरण की बात नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी शब्द हमारे पास नीड है, तो नीड के बाद आने वाला शब्द हमेशा इन्फिनिटिव में होता है। तो क्या लिखेंगे? टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्ड। इस तरीके से सेंटेंस समझ गए होंगे आप। आगे चलेंगे, दे आर ईगर टॉकिंग टेकिंग डिसीजन। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ईगर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो टेकिंग कहना गलत होगा, इसकी जगह हम क्या कहेंगे? टू टेक डिसीजन। बिल्कुल सही, आप समझ सकते हैं। शब्दों को ही समझना है, बाकी आपको सब चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। वी वर ग्लेड टू मीट यू। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्लेड लिखा हुआ है, ग्लेड के आगे लगा हुआ है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई तकलीफ नहीं है, ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सेंटेंसों में कोई तकलीफ नहीं है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। सेंटेंस लिखा हुआ है विदाउट टू। जब कभी भी आपके सेंटेंस में हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, रादर देन या सूनर देन दिया हुआ हो, उस समय आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। ये चीज़ें हमेशा आपको कोई दो कामों में से एक काम करने के बारे में जानकारी देती है। और जब कभी भी हम इन सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे या इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर हमें इन शब्दों के साथ टू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही हैड बेटर डाई देन टू सरेंडर। सेकेंड सेंटेंस मैंने बोला वी वुड रादर die then begging। फिर आपके सामने आता है I would rather
watch TV, then to play. बच्चों आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं. ही हैड बेटर डाई देन टू सरेंडर. आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर सर हैड बेटर दिया हुआ है और हैड बेटर के बाद या फिर देन के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है. तो ये सीधा सिंपल सेंटेंस है, ही हैड बेटर डाई देन सरेंडर. यहाँ टू नहीं लगेगा. फिर सेंटेंस आता है वी वुड रादर डाई देन बैगिंग. वुड रादर दिया हुआ है और देन दिया हुआ है. ऐसे जब भी सेंटेंस दिए हुए होते हैं तो उसके साथ आई एन जी फॉर्म नहीं लगती है. सीधा क्या लिखेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसका भी विशेष ध्यान रखें, आईएनजी वाले सेंटेंसेस को हटाना है और उन्हें फर्स्ट फॉर्म बनाना है. यानी इनके बाद आने वाले वर्ड कैसे होते हैं बच्चों, फर्स्ट फॉर्म वाले. आई वुड रादर वॉच टीवी देन टू प्ले. वुड रादर के साथ देन दिया हुआ है तो टू को लगाने की आवश्यकता नहीं है. यानी कि मैं टीवी देखने की खेलने की बजाय टीवी देखना पसंद करूंगा. इन सेंटेंसों में दो कामों में से कोई एक काम करना पसंद होता है. फिर आपके सामने सेंटेंस आता है सर कुछ मेक शब्द के साथ कभी टू लगता है तो कभी नहीं. ये नियम कुछ इस तरीके का है सर कि अगर आप विद टू लगाना चाहते हैं तो आपका सेंटेंस किसका होना चाहिए, पैसिव वॉइस का. अगर आप मेक शब्द लगा रहे हैं और वहाँ टू नहीं लगेगा तो वो सेंटेंस कैसा होगा, एक्टिव वॉइस का. ये बात ध्यान रखने वाली है. और एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस में हमें टू का प्रयोग नहीं करना है, वेयर एज हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो हमें टू का प्रयोग करना होगा. जैसे मैंने कहा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, आई मेड हर टू स्टैंड इन द लॉन्ग क्यू. वहीं पर मैं अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस लिखा देता हूं, मैंने कहा ही वॉज मेड स्टैंड इन द क्यू, इन द लॉन्ग क्यू. अभी यहां आपको समझने की बात है कि सेंटेंस कौन सा एक्टिव वॉइस का और कौन सा पैसिव वॉइस का. अभी तो हमने लिख दिया पैसिव वॉइस का सेंटेंस. आप देख सकते हैं ही के बाद वॉज लगकर थर्ड फॉर्म लगाई गई है. जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लग जाती है तो वो क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस. बशर्ते वो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, कंटीन्यूअस का सेंटेंस हो. ठीक है, और परफेक्ट में तो वैसे ही थर्ड फॉर्म लगती है, इसीलिए वहां पर हम बीन लगाकर इसका प्रयोग करेंगे. तो क्या कहेंगे, ही वॉज मेड टू. यहाँ ये पैसिव वॉइस है इसीलिए क्या लगाएंगे, मेड टू स्टैंड इन द लॉन्ग क्यू. यानी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा. एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूं. मैं कहता हूं ही वॉज मेड सेंड टू द ऑफिस. यहां आप समझ सकते हैं कि लिखा हुआ है ही वॉज मेड सेंड टू द ऑफिस. आप देखिए कि मेड के बाद कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है, पैसिव वॉइस का. वॉज के बाद मेड लगा है, यानी थर्ड फॉर्म है. तो क्या लगाना पड़ेगा, ही वॉज मेड टू सेंड टू द ऑफिस, इस तरीके से. लेकिन अगर आप यही एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, आई मेड हर टू, यहाँ पर आप देखिए टू लगा हुआ है, जबकि सेंटेंस कौन सा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाला. यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, यानी यहाँ टू लगाने की आवश्यकता नहीं है. एक और एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. विनय makes to her sister write a letter. अब आप यहां देख सकते हैं विनय makes, एस आई एस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है और वो भी टेंस है एक्टिव वॉइस, इसलिए यहां पर टू लगाने की आवश्यकता नहीं है. बच्चों समझ सकते हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक का फॉर्मूला समझ में आया होगा. फाइनली आपके सामने लेट का सेंटेंस आता है और लेट का सेंटेंस हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहता है कि टू मत लगाइए. ये हम पहले भी देख चुके हैं. यानी कह रहा है कि लेट मी टू डू दिस वर्क, ये हम पहले ही देख चुके हैं सेंटेंस. इस सेंटेंस में हमें टू नहीं लगाना है क्योंकि हमारे पास क्या है, लेट है. इस तरीके की सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी. आप इसे लिख लीजिए ताकि मैं आगे ले जा सकूँ. थैंक यू बच्चों. अब आगे के लास्ट तीन सेंटेंस करने के लिए और तीन रूलों को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ रूल है. जिसे पहला रूल कहता है कि डू के साथ अगर एनीथिंग एवरीथिंग और नथिंग लिखा हुआ हो
और उसके बाद बट या एक्सेप्ट दिया हुआ हो तो फिर पीछे टू नहीं लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके सेंटेंस में लिखा हुआ हो, सपोज कीजिए कि मैंने कहा ही डिड नथिंग बट टू ईटिंग, यहाँ याद रखने वाली बात यही है कि कह रहा है कि ही डिड नथिंग बट टू ईटिंग। आप सेंटेंस में देख सकते हैं कि हमारे साथ डू की सेकेंड फॉर्म डिड लगी हुई है, फिर नथिंग लगा हुआ है और उसके बाद बट लगा हुआ है, यानी डू डज डिड के साथ नथिंग बट लगा हुआ हो तो आगे हमें टू की जरूरत नहीं होती है, हम सीधी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ईटिंग भी गलत है, यहाँ क्या करेंगे ईट, इतना समझना है। अब हो सकता है आपको ईटिंग ना देकर ईट ही दिया हुआ हो तो आपको सिर्फ टू हटाना होगा। एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, मैंने कहा ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टॉकिंग। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सर आपके सामने डज लिखा हुआ है, एवरीथिंग और एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो टू तो हमने वैसे ही नहीं लगाया, लेकिन अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ क्या करना होगा, फर्स्ट फॉर्म करनी होगी, यानी टॉक करना होगा। यहाँ टॉकिंग लिखूंगा, वापिस चाहता हूँ, ये लीजिए टॉकिंग। इस तरीके से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ेंगे, मॉडल के साथ कह रहा है टू कभी नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल सही कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई कैन टू स्विम, सेकेंड मैंने कहा दे मे नो टू हर एड्रेस, फिर सेंटेंस आया आई मस्ट टू फॉलो द रूल्स। आपका एक रूल कहता है कि मॉडल के बाद टू का प्रयोग नहीं करना है, तो कोई तकलीफ नहीं है। आई कैन टू स्विम, तो आप पता है कि कैन क्या है, मॉडल है, इसलिए यहाँ पर टू नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं है। आई कैन स्विम यानी मैं तैर सकता हूँ। सेकेंड सेंटेंस आता है दे मे नो टू हर एड्रेस, कह रहा है कि दे मे नो टू हर एड्रेस, ये एक मॉडल है, इसके बाद टू का प्रयोग नहीं करें। आई मस्ट टू फॉलो द रूल्स, आई मस्ट टू नहीं, आई मस्ट फॉलो द रूल। इस प्रकार से आपके नवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। आगे आता है एक सेंटेंस, वाई और वाई नॉट के साथ टू का प्रयोग ना करें, का मतलब ये हुआ फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वाई टू सर्च anything when I have everything। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के अंदर why लिखा हुआ है और why के बाद हमारे सेंटेंस कहता है कि टू का प्रयोग नहीं करना है, तो यहां पर इस टू का प्रयोग नहीं होगा। why search anything, अरे भाई कोई चीज सर्च क्यों करनी when I have everything, जब मेरे पास सब कुछ है। दूसरे सेंटेंस की बात करूं तो मैंने कहा वाई नॉट टू सी अ गुड डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो, तो वाई नॉट के बाद टू का प्रयोग नहीं होता। इस तरीके से आपके सारे इन्फिनिटिव के नियम खत्म हो गए हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर इस सेंटेंस को डू के बिना लिखा जाए तो फिर आप यहाँ टू लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ, मैं कहता हूँ जैसे कि ही सा एवरीथिंग बट एलिफेंट। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास डू नहीं है और हमारे पास एवरीथिंग दिया हुआ है, तो एवरीथिंग के बाद बट आया,
तो टू हटेगा नहीं, अब लगेगा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बिना डू डज और डिड वाले सेंटेंस के। तो ऐसे समय में आपको बट के बाद क्या लगाना होगा जनाब? टू लगाना होगा। ही सा एवरीथिंग बट टू एलिफेंट, उसने एलिफेंट को छोड़कर सब कुछ देखा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है, आप इसे लिख सकते हैं टेक योर टाइम, और आगे के वीडियो के लिए बने रहिए क्योंकि मैं अगला वीडियो बिल्कुल सेपरेट बनाने वाला हूँ जीरंड को लेकर। आप यहाँ तक लिख सकते हैं टेक योर टाइम प्लीज़।